Click on the bell icon to watch our latest videos. वीरान जगहों की खोज में मैं आ गया हूँ एक ऐसी जगह जो अद्भुत जरूर है लेकिन जिसकी बिल्कुल प्रशंसा नहीं की जा सकती। यहाँ की दीवारों ने बहुत करीब से देखा है कि मनुष्य किस प्रकार के दहशत के काबिल है। ये गवाह है यहाँ एकांत में बहाए गए अनगिनत आंसुओं की। ये मिली है उन लोगों से जिन्होंने अपने देश और अपने सिद्धांतों के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। ये दीवारें हैं सेल्यूलर जेल की। नाम नहीं सुना? इसका दूसरा नाम आप जरूर जानते होंगे, काला पानी। उन्नीसवीं सदी के आखिरी 15-20 सालों में भारत में उठी आजादी की आवाजों ने जोर पकड़ा। अनगिनत लोग क्षेत्रीय आंदोलनों में शामिल होने लगे और ब्रिटिश सरकार और उनके दुष्ट ऑफिसर्स पर हमले होने लगे। इन्हीं फ्रीडम फाइटर्स को कड़ी सजा देने के लिए अंग्रेजों ने यहाँ अंडमान में एक कठोर जेल बनाने का निश्चय किया। ये वही समय है जब भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने पहले कदम ले रही थी। गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे ही थे और जैसे अंग्रेजों को पता था कि भारत में एक आज़ादी का तूफान आने वाला है, जिससे बचने के लिए उन्होंने ये जगह बनाई। इन स्वर्ग जैसे द्वीपों के बीचों बीच अंग्रेजों ने एक नरक का संसार बांध रखा था। कुछ कोनों में अब भी उस समय की बू बची है, उस समय की जब इंसानियत का साया यहाँ से उठ गया था। इस जेल कॉम्प्लेक्स का आकार एक बड़ी स्टारफिश की तरह हुआ होगा ना? इसी सेंट्रल टावर में एक बड़ी घंटी लटकी हुई रहती थी। अगर कोई कैदी भागने की कोशिश करे तो वो घंटी बजा दी जाती थी, जिससे पूरे आइलैंड के गार्ड सतर्क हो जाते थे। सेल्युलर जेल की हर सेल 13.5x7 फुट की। हर जेल के अंदर सिर्फ एक लकड़ी की खटिया और एक लोहे की थाली और एक ब्लैंकेट दिए जाते थे। सिर्फ वो एक खिड़की है जहां से रोशनी और हवा अंदर आ सकती थी। टॉयलेट की भी कोई सुविधा नहीं हुआ करती थी। और भी भयानक बात तो ये है कि ये जेल बनाया गया उन्हीं कैदियों द्वारा। फ्रीडम फाइटर्स के पैरों में बेड़ियां बांधकर दिन रात मेहनत करवाकर उन्हीं को कैद करने की ये इमारतें खड़ी हुई। सोचकर भी मायूसी होती। कैदियों की जिंदगी कठोरता से भरी हुई थी, जहां उनको बुरी तरह से थका देने वाले काम दिए जाते थे। खाना भी बहुत कम मिलता था। कैदियों को बुरी तरह से मारा भी जाता था। बताते हैं कि यहाँ के कैदी भारत के बाकी जेलों को जन्नत बराबर मानते थे। सेल्युलर जेल आज वीरान है, ये सुनकर न तो आश्चर्य होता है न कोई दर्द महसूस होता है। ऐसी जगह को तो वीरान होना ही चाहिए। ये तीर्थ महातीर्थों का है, मत कहो इसे काला पानी। तुम सुनो इस धरती के कण कण से गाथा बलिदानी।